नमस्कार, मैं प्रिया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के 90,000 व्यापारियों को मिली खुशखबरी के बारे में। बिहार के 90,000 व्यापारियों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी खुशखबरी जारी की है, जिसके तहत जीएसटी में छूट देने का ऐलान किया गया है। हाल ही में केंद्रीय जीएसटी काउंसिल की बैठक में अहम घोषणा की गई, जहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में सूबे के 90,000 से ज्यादा व्यापारियों को सीधा लाभ मिलने वाला है। हालांकि राज्य के वाणिज्य कर विभाग के पास इससे संबंधित फिलहाल कोई डेटा मौजूद नहीं है, लेकिन शुरुआती आकलन को देखें तो 90,000 के आसपास व्यापारियों को सीधा सीधा फायदा मिलने वाला है, जिसके तहत सभी व्यापारियों को प्राप्त करने की समय सीमा प्रदान की गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में केंद्रीय और राज्य जीएसटी के तहत निबंधित व्यापारियों की संख्या 4,20,000 के आसपास है। इसमें से 35,000 ऐसे व्यापारी हैं जिन्होंने 3 साल से रिटायर ही नहीं किया है। ऐसे व्यापारियों को इस बार बड़ी राहत मिलने वाली है। इसके तहत सालाना शून्य टैक्स देने वाले व्यापारी सिर्फ 500 रुपए देकर अपने बकाए का हिसाब चुकता कर सकते हैं। इसके साथ ही 1.5 करोड़ तक सालाना टर्नओवर वाले व्यापारी 2,000 रुपए, 1.5 करोड़ से अधिक और 5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले व्यापारी 5,000 रुपए देकर अपने लंबित रिटर्न को क्लियर कर सकते हैं। इसके तहत कंपाउंडिंग योजना वाले व्यवसायियों के मामलों में इसी तरह की राहत दी गई है। कोरोना काल में पुराने लंबित मामलों या रिटर्न दायर करने वाले व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है। इसके साथ ही व्यापारियों को एक बड़ी राहत ये भी मिली है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में 2 करोड़ रुपए तक के सालाना बिक्री या कंपाउंडिंग स्कीम वाले व्यापारियों के लिए वार्षिक विवरणी यानी कि रिटर्न दाखिल करने की बाध्यता खत्म कर दी गई है, जिसके तहत ही अब ऐसे व्यापारी अगर चाहे तो वो वार्षिक रिटर्न जमा कर सकते हैं, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो भी उन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होगी। हाल ही में वित्त मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए फैसले के बाद अब व्यापारियों को किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के स्तर से सत्यापित करके स्टेटमेंट दाखिल कराने की बाध्यता समाप्त कर दी गई है, जिसके तहत अब व्यापारी अपने स्तर पर भी स्टेटमेंट तैयार करके दाखिल कर सकते हैं, जिसके बाद विभाग इसमें आवश्यक सुधार स्वयं कर लेगा। जिसके कारण ही अब सरकार के इस नए फैसले से बिहार के व्यापारियों को कोरोना के इस माहौल में बड़ी राहत मिलेगी। कोरोना के कारण वैसे ही व्यापारियों के व्यापार की स्थिति खराब हो गई है, ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से दी गई इस राहत से व्यापारियों को काफी सहूलियत मिलेगी। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।